कि उनका जब माथा चूमा तो मुलाकात बिंदी से हुई। उनका जब माथा चूमा तो मुलाकात बिंदी से हुई, इश्क जब उर्दू से किया तो मोहब्बत हिंदी से हुई। मेरी उंगलियां जब उलझी उनकी लटों के भंवर में, मेरी उंगलियां जब उलझी उनकी लटों के भंवर में, फिर गेसुओं को सवारा तो मुलाकात कंघी से हुई। इश्क जब उर्दू से किया तो मोहब्बत हिंदी से हुई। अब मैं आपको अपना पीस सुनाना चाहूँगा, जो कि स्टॉप चाइल्ड लेबर हैशटैग करके एक यॉर्कआउट में चला था, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था। वो अपनी ख्वाहिशों से दूर है, थोड़ा नहीं शायद बहुत मजबूर है, जाने अनजाने किसी ना किसी का कसूर है, इसीलिए शायद वो बाल मजदूर है। तुमने देखा होगा उसे चाय की दुकान में, झाड़ू पोछा लगाते हुए आलीशान मकान में, उन नन्हे कदमों को भागते हुए गाड़ियों के पीछे। तुमने देखा होगा बीनते हुए कूड़ा उसे कूड़ेदान में। इस मुफलसी में भी उन मैले चेहरों पर खुशियां छाई हैं। गुड्डा गुड़ियों की खेलने की उम्र में उसने रोटियां पकाकर खाई है। बोझ है कांधों पर अनगिनत उनके, पर दिल के अंदर छिपा बचपन भरपूर है, इसीलिए शायद वो आज बाल मजदूर है। छोटू का मालिक उसे सुबह 4 बजे उठा देता है। बचपन के ख्वाबों को देखने से पहले ही जगा देता है। गुड्डी की मालकिन उससे अपना हर गंध उठवाती है और वो बच्ची बेचारी छोटी सी भूल पे भी बहुत मार खाती है। उनका मेहनत से चलता जीवन है, फिर भी किस्मत में उतरन है। ना आज है ना कल है, बस टूटा फूटा बचपन है। तिफ्ल है ये भी किसी के, इनके अंदर भी खुददारी है। जिंदगी से इनकी जंग तो निरंतर जारी है। अपनी तमन्नाओं को मार के अपने ख्वाबों को करते चूर हैं। इसीलिए आज वो बाल मजदूर है। शुक्रिया।